आसन्न पराजय देखते हुए वो बौखला गए और बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ तक के उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी की सुरक्षा की गाड़ियां विड्रॉ कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री की जिंदगी कीमती नहीं है क्या? अगर वो आपके साथ नहीं रहे अपमान होने के कारण, तो क्या आप ऐसा बदला लोगे उनसे? एक तरफ चंपई जी की सुरक्षा बौखलाहट में छीनी, उनके लिए पूरी सरकार, वो और उनकी पत्नी, पति और पत्नी है, और किसी आदिवासी का मान और सम्मान नहीं है। चंपई जी की जान को खतरा पैदा हो सकता है। अब जो मुख्यमंत्री अपने स्वार्थों के खातिर अपने पिता के मित्र की जिंदगी खतरे में डलवा दे, उसकी बुद्धि का आप अंदाज लगा सकते हो आज वो किस मानसिकता में है। इस तरह की अनर्गल बातों की हम घोर निंदा करते हैं और चंपई जी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप कृषि मंत्री हैं और आज रांची में मुख्यमंत्री ने किसानों का लोन माफ करने की घोषणा की और कुछ किस्त भी दी, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास हमारे पैसे लौटाने के पैसे नहीं है, बाकी षड्यंत्र करने के लिए है, लेकिन ये मनरेगा के पैसे खा गए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे खा गए, ये जल जीवन मिशन के पैसे खा गए। हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजे कि घर घर पीने का पानी हेमंत सोरेन जी झारखंड की सरकार दे, या कोई गांव में घर में पीने का पानी आ रहा है क्या? पाइप तक ढंग से नहीं बिछाए, केंद्र का सारा पैसा खा गए, डकार गए। आज तक कहां गए थे? कर्ज माफ अब तक क्यों नहीं किया? जब 10 दिन नहीं बचे, उनको पता है अब आचार संहिता में, तो आज तो कर्जा भी माफ करवा लो, पैसे भी डलवा लो, जो मांगोगे वही मिलेगा। स्वर्ग से कहेंगे तारे तोड़ लाओ, तो कहेंगे वो भी तोड़ लाऊंगा। 4 साल 10 महीना कहां गए थे? आज चुनाव देख के ये नाटक कर रहे हो? जनता ये नाटक समझती है और इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जवाब देगी। ये गठबंधन ही ठगबंधन है।